दोस्तों, मैं आपका दुबई वाला राजा आज लेकर आया हूं पैडमैन फिल्म का रिव्यू। जी हां, ताली बजा के इस रिव्यू को शुरू करते हैं। अक्षय कुमार की ये फिल्म है। अक्षय कुमार इस फिल्म के हीरो हैं और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना इस फिल्म की निर्माता हैं और कंसेप्ट भी उन्हीं का है। बहुत खूबसूरत, बहुत बोल्ड कंसेप्ट है ये, जिसको सोचना, करना, हकीकत में कामयाब होना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक्स, बाय। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। अब हम बात करेंगे पैडमैन फिल्म की कहानी की। तो कहानी तो पैड के ऊपर आधारित है, ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देखने वाले भी जानते हैं। तो पैडमैन की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो और रिव्यू करने वाले आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कहानी बताएंगे, मैं कहानी की मेन चीज बताऊंगा आपको। पैडमैन के मुख्य सिर्फ तीन ही कलाकार हैं, अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे, जिन्होंने अक्षय कुमार की पत्नी का खूबसूरत रोल अदा किया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बताया जाता है कि उनको, जी हाँ, उनको यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी को पीरियड्स आ जाते हैं और अक्षय कुमार एक गंदा कपड़ा देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि मेरी पत्नी इस गंदे कपड़े को लपेट रही हैं। हम कहानी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि वो समझते हैं, वो समझने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर उसका रेट पूछते हैं, उनके लिए पैड खरीदते हैं। 55 रुपये प्राइस सुन के उनकी वाइफ घबरा जाती है और वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है। लिहाजा अक्षय कुमार का माथा ठनक जाता है। जी हाँ, उनका माथा ठनक जाता है। और आप तो जानते हैं कि आजकल अक्षय कुमार का झंडा ऊपर की तरफ है, एकदम लाजवाब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उनको मिल रहे हैं, जैसे कि उनकी पिछली फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा, इस तरीके के सब्जेक्ट उन्हें मिल रहे हैं। और ये भी एक नायाब और अजीब गरीब बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट था, लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। इसमें कई ऐसे सीन हैं जो कि बहुत ही लुभावने हैं, डरावने हैं और महसूस ये करते हैं कि ये गंदा है, लेकिन वो गंदा नहीं है, वो जरूरत है, वो उन औरतों की जरूरत पूरी करता है जिन्हें डर की वजह से अपनी जरूरत कहने में या आपको बताने में या घर में समझाने में काफी वक्त लग जाता है और वो नहीं कह पाती। मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि अक्षय कुमार की दो जवान होने वाली बहनें हैं, 12, 13, 14 साल की, और उसमें से एक को पीरियड्स आ जाते हैं। और भाई साहब, अक्षय कुमार जी रात के 12-1 बजे अंधेरी रात में अपनी बहन को वो देने की कोशिश करते हैं। ये क्यों होता है, किस लिए हुआ है, इसमें हम नहीं जाएंगे। उसकी सोच अच्छी थी, वो भलाई चाहता था, लेकिन वक्त खराब था, जिसकी वजह से उसे काफी जलील होना पड़ता है। और वो जलील होते के बाद उसकी वाइफ उसको छोड़ देती है, उसकी माँ चली जाती है, बहनें चली जाती हैं, लिहाजा वो अकेला होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, वो हिम्मत नहीं हारता है, लड़ता है। फिर उस पैड को, जिस पैड की वजह से उसकी पत्नी चली गई, जलील होता है, फिर वो लड़ता है। उस लड़ने की चाहत में उसे कई और रंग नजर आते हैं कि जैसे ये पैड किस चीज से बनता है। पहले तो वो खुद बनाता है, फेल होता है, फिर फेल होता है, फिर फेल होता है, मेडिकल कॉलेज की लड़कियों के बाहर खड़ा होकर उनको देने की कोशिश करता है, वहां भी फेल होता है, कई जगह फेल होने के बाद भी वो हारता नहीं है और वो लगा रहता है। शायद ये फिल्म, जी हाँ, ये फिल्म शायद नहीं, एक सच्चे आदमी के ऊपर आधारित है, जिसने कि इस हल्के फुल्के और कम कीमत के दामों के पैड को बनाया था। अक्षय कुमार को एक मशीन का पता चलता है जिसकी कीमत करोड़ है, लेकिन वो उस मशीन को जब देखता है, क्योंकि उसका काम लोहार का ही था, स्टील की खिड़कियां बनाना, स्टील के नल, ट्यूब वगैरह या सीढ़ियां, ऐसे ऐसे वो काम करता था, झूला, तो उसको महसूस होता है ये मशीन तो वो बना सकता है, और वो बनाता है। उस मशीन को वो घर बैठकर बनाता है, जिसकी कीमत सिर्फ उसे पड़ती है 90,000 रुपए, और उस पर वो पैडमैन, जो कि हमारे देश का सुपरमैन बन जाता है,
धीरे धीरे करके वो न्यूयॉर्क तक पहुंच जाता है, अमेरिका तक पहुंच जाता है। उसे न जाने कितनी प्राइजेस, पैसा और न जाने क्या क्या मिलता है, लेकिन वो कहता है, उसका कहना है, एक लंबा लेक्चर देता है। मैं आपको बताता हूं, अक्षय कुमार अमेरिका में अमेरिकन्स के सामने हिंदी में टूटी फूटी अंग्रेजी में एक बहुत लंबा लेक्चर देता है, जो कि काफी लंबा है। डर सा लग रहा था कहीं पिक्चर का लिंक ना टूट जाए, लेकिन नहीं, वो तालियां लेके जाता है और तालियों की गड़गड़ाहट में उसका वो लेक्चर खत्म होता है और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे महंगी मशीन नहीं करनी है, मुझे सस्ता पैड बनाना है, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और कई लोग, कई औरतें उस मशीन को बनाती हैं। जी हाँ, सोनम कपूर की एंट्री यहाँ से फिल्म में होती है। जी हाँ दोस्तों, सोनम कपूर की एंट्री हो जाती है एक दोस्त के रूप में। जी हाँ, जीवन में एक जरूर अच्छी फीमेल दोस्त होना ही चाहिए, तभी आपकी लाइफ में करंट जिंदा रहता है और उस करंट के तहत अक्षय कुमार काफ़ी अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को समझते हैं, जो कि उनकी दोस्त उन्हें समझाती है, और कामयाबी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं और इतने कामयाब हो जाते हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कहानी की नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फिल्म को पर्दे पर देखें, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को प्लीज ना ले जाएं, थोड़े उम्र के बड़े बड़े बच्चों को लेके जाएं जो कि समझदार हो रहे हैं, समझदार होने वाले हैं, तो उनको भी पता लगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है पैडमैन। मैं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं करूंगा या इस रिव्यू में आपको नहीं बताऊंगा तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि अमिताभ की एंट्री एक डैशिंग एंट्री है इस उम्र में, इस एज में, इस स्टेज पे लाजवाब ढंग से अपने शब्दों को बोलना, अपने डायलॉगों को अच्छी तरह से दर्शकों को बताना, उस मकसद को पूरा करना, ये सिर्फ अमिताभ ही जानते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी एंट्री को पूरा करते हैं। इस तरह से कई जगह फिल्म में तालियों की गड़गड़ाहट में अक्षय कुमार अपना काम करते जाते हैं, सोनम कपूर की दोस्ती आगे बढ़ती जाती है, एक वो बड़ा प्यारा सा, हल्का सा, बहुत लाजवाब, बेहतरीन, बहुत मुकम्मल तौर पे छोटा सा किस अक्षय को देती है, जिससे अक्षय की जान फड़फड़ा जाती है, लेकिन उसकी जान को आर बाल की, जी हाँ, अब मैं जिक्र करूंगा आर बाल की डायरेक्टर का, जो कि इस फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, इसकी बारे में मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जाकर फिल्म देखिए और डिसाइड कीजिए कि आर बाल्की का डायरेक्शन कितना अच्छा है। पैडमैन का म्यूजिक, दो गाने बहुत ही खूबसूरत है, आज से सारी तेरी गलियां मेरी हो गई, और सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, दोनों गाने बहुत खूबसूरत हैं, लोगों को हिला हिला के, रुला रुला के मज़ा देते हैं और आप तालियां ही बजाते रह जाएंगे। तो मैं चाहूँगा दर्शकों कि आप इस फिल्म को बड़े पर्दे पर जाकर आज ही देखिए। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के स्टार की, तो इस फिल्म को मेरे ख्याल से 5 में से 4 स्टार मिलने चाहिए और मैं इस फिल्म को 4 स्टार देता हूं। अब आ गया है आपसे विदाई लेने का वक्त। तो दोस्तों, दुबई वाला राजा अब जाता है, अगली फिल्म का रिव्यू मैं आपको दूंगा अगली बार। इस फिल्म का लेकिन रिव्यू अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जाकर इसे थिएटर में देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब का छोटा सा बटन तो आपके सामने है जिसको आप दबाएं और मेरे और नज़दीक आएं, मेरे दिल के नज़दीक आएं और महसूस करें मेरे दिल की धड़कनें आपके लिए धड़क रही है कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।